दोस्तों पहले जब हम बचपन में छोटे थे तो बचपन में हमने बहुत से जानवर, खरगोश देखे और लोमड़ी देखी। पक्षी तो जाने कितने प्रकार के थे, सारस देखा और न जाने कितनी चिड़ियाँ थीं, तोते थे। पहले हम लोग जब छत पे जाते थे ना तो हमें एक लाइन लगा के दिखता था कि शाम के टाइम अक्सर कि एक लाइन लगा के 100-150 पक्षी एक साथ जा रहे हैं, सारस भी जा रहे हैं, तोते भी जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था वो। बट आज कुछ नहीं दिखता है, आज तो केवल दिखता है खाली आसमान। और वो क्यों, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों जिम्मेदार हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जो हम अपने जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो सबसे बड़ी बात है, आज हम बेवजह हॉर्न बजाते हैं, बेवजह हम लाउडली स्पीकर बजाते हैं। इसका मतलब क्या है? अरे भाई तुम्हें सुनना है, लीड लगा के कान में सुन लो। उसके लिए भी डॉक्टर बोलते हैं कि लीड ज़्यादा सुनोगे तो बहरे हो जाओगे। तो भाई साहब वही चीज़ तो उन पर भी इफेक्ट डालती है ना। अरे हम समझदार हैं ना, वो तो जानवर हैं, वो तो पक्षी हैं, तो उनको कहाँ समझ। देखिए हमको समझ है कि ये लाउडली नहीं बजाना, क्योंकि उनके माइंड पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है ये चीज़। आज जो अपने टावर से जो रेडिएशन निकलता है इतना सारा, ये भी इनके माइंड पे अटैक करता है। क्यों करता है वो मैं बताता हूँ आपको। इनका क्या है, पक्षी आपने देखा होगा बहुत लंबी यात्रा करके आते हैं, 100-150, 1-1000 किलोमीटर दूर से, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं उड़ के। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ का, जैसे मान लीजिए ठंडे प्रदेश हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ है, तो वो गर्म प्रदेश में आते हैं जहाँ उनके लिए नॉर्मल हो। लेकिन जब उनकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी और जब वो दिशा ही नहीं पहचान पाएंगे, तो हो सकता है कि वो आना चाहते हों कश्मीर, बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश से वो जम्मू आना चाहते हो, कश्मीर आना चाहते हो, या मध्य प्रदेश आना चाहते हो, लेकिन वो पहुंच गए कहाँ, सहारा। तो वो उनके लिए ख़तरनाक है ना, इसीलिए ये जातियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो दोस्तों एक ही निवेदन है, आप जो रोज़ काम करते हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जब हम कम करेंगे तभी कम होगा। नमस्ते भाइयों, एक ही निवेदन है कि अपना जो नेचर है इसको बचाइए, ध्वनि प्रदूषण कम कीजिएगा, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, जंगल, इन पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों के बर्थडे पे एक वो पेड़ लगाइए। तो दोस्तों यही निवेदन है, मेरी तो यही विनती है। मैं तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें अपनाता हूँ और कहीं ना कहीं हम लोग नेचर से जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जुड़ें। अगर बात सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें, सब लोगों के पास पहुँचाएँ, हमारी बात पहुँचाएँ। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।